दिल्ली का केजरीवाल का है। चाहे ठेके खोल के शराब की नगरी जरूर बना रहे हैं। बाय वन गेट वन फ्री की जो इन्होंने स्कीम दी ना, बहुत ही गलत है। देश को, दिल्ली को शराब की जरूरत है। ये कंधे पे रख के बढ़ रहे हैं ये। तो जगह जगह दिल्ली में बियर शॉप, वाइन शॉप खोली गई हैं, इसी को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। सर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? देखिए, ये मेन मार्केट है कुंडली की, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ये ठेका खोला हुआ है। शाम को यहाँ 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। केजरीवाल जी ने एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। लोगों ने यहाँ गंद मचा रखा है, यहाँ लोग निकलना मुश्किल हो गया है। पीछे यहाँ रेडेंस है पूरा का पूरा, लोग माता बहने अपने घर से निकल नहीं सकती है यहाँ से। ये ठेके के जितने भी लोग आते थे दारू पीने, वो अब यहाँ पे ठेका बंद है, अब वो चले गए दिल्ली कहीं और। तो आपने उन्हें रोका तो नहीं? ना, हम तो अपनी गली की कर सकती ना, उधर की नहीं कर सकती ना। अपना मतलब निकालना है, दूसरा बढ़ गया भाड़ में, उधर भी चले जाएंगे, बुलाएंगे तो। दिल्ली में खोलने नहीं देना है बिल्कुल भी। हर जगह संघर्ष करेंगे हम, हर जगह जाएंगे हम, कहीं पर भी ठेके नहीं खोलने देंगे, वहीं जाएंगे। जो ये पहले सुनो, यहाँ से हमने ठेका बंद करा दिया, जहाँ भी ये ठेका खुलेगा हम वहाँ पे भी प्रदर्शन करेंगे, बंद करेंगे वहाँ पे। हम पब्लिक को, आम जनता को जाने नहीं देंगे, दिल्ली की जनता को बर्बाद नहीं होने देंगे। जो केजरीवाल जी ये 850 ठेके खोलने वाले हैं, हम इनको बंद करके रहेंगे। हम आम लेडीज हैं, हम कोई पार्टी के नहीं है। हम जहाँ जहाँ भी ठेके खुलेंगे, केजरीवाल जी 850 ठेके खोलने वाले हैं, हम इनको बंद करके रहेंगे। पिंक बार जो खोलने वाले हैं ये खोलने नहीं देंगे। बड़े शर्म की बात है, केजरीवाल जी ना तो शिक्षा दे रहे हैं, ना पेंशन दे रहे हैं, ना राशन दे रहे हैं केजरीवाल जी को। हम उत्तर प्रदेश की शिक्षा कैसी है सबको पता है, उत्तर प्रदेश की भी शिक्षा सबको पता है। मैम आपसे बस ये जानना था कि आपसे, आप ठेका बंद कराएं, उत्तर प्रदेश के ठेके भी बंद कराएंगे आप? जब यहाँ की औरतें बढ़ चढ़ के सामने आएंगी तो उत्तर प्रदेश की औरतें भी बढ़ चढ़ के सामने आएगी कि यहाँ के ठेके भी बंद कराए जाएं। केजरीवाल से एक क्वेश्चन है कि उन्होंने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, वो तो बनाया नहीं, लेकिन 4000 ठेके खोल के शराब की नगरी जरूर बना रहे हैं। आज हम आपसे, आप सवाल करो, कौन सा सवाल, हम जवाब देंगे उसका। अरे हम बस ये पूछ रहे हैं कि ठेका बंद करके फायदा क्या हो रहा है, जब भीड़ कहीं और जा रही है। आपने दारू बंद नहीं करवाई है, आपने एक वाइन शॉप बंद करा दी है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं कराया आपने। यहाँ की भीड़ कहीं और गई है, आपने उन्हें दारू पीने से नहीं रोका है। आप आंदोलन करिए, मना नहीं कर रहे। महिलाओं के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्यों जी? केजरीवाल जी ने बोला है कि महिलाओं को 30% दारू पे छूट मिलेगी। जब 30% छूट मिलेगी तो उनके आदमी कहेंगे कि जी लाइन में लगो, जाके दारू लेके आओ हमारे लिए। तो आज हमारी महिला रोड पे बैठेंगी क्या? ये बात काम की बोली जी, और लोगों से बात कर। मैं जो है पंजाब को जो है नशा मुक्त करूंगा। हाँ। और दिल्ली को जो इसमें शराब के उसमें झोंका जा रहा है। गजब बात बोली, मतलब पंजाब में कह रहे हैं कि शराब बंद करेंगे और यहाँ पर लगे जगह ठेके खोलना है, इसमें क्या कहेंगे आप? भाई साहब, ये दिल्ली को बिल्कुल बर्बाद करने के तुला हुआ है। यहाँ पर लोग नोएडा से कहाँ कहाँ से लोग लाइन लगा के आते हैं। यहाँ स्केचिंग बढ़ रही, गुंडागर्दी बढ़ रही है। इसको तो केवल पैसे चाहिए। यहाँ जो दारू से जो इन्होंने पैसे ले रखे हैं, इन्होंने टेंडर दे के वो पंजाब में चुनाव लगा रहे हैं। आप सुबह से बैठी हैं, कुछ खा पी के बैठी हैं? अभी कुछ नहीं खाया। संघर्ष किसके लिए कर रही हैं आप, अपने घर के लिए कर रही हैं या समाज के लिए? मैं अपने घर के लिए, या मेरा घर, इन सब जितने सबके घर में जेंट्स हैं दारू ठेके पे जाते हैं, ड्रिंक लेके आते हैं, घर में हंगामा करते हैं, मार पिटाई करते हैं, बच्चों पे फर्क पड़ता है। अब तो ज्यादा ही हो गया है, अब तो लेडीजों को बोलेंगे तुम जाके खुद लेके आओ, हमें दो। बाय वन गेट वन फ्री की जो इन्होंने स्कीम दी ना, बहुत ही गलत है। आप ये देखिए, बाय वन गेट वन में ज्यादा ये चीजों का आदमी जो खाने के लिए नहीं देखता, पहले वो लेने आता है। कल भी मैंने देखा इतनी लंबी भीड़, वो लेडी मेरी घर में हमारी जो काम करती है वो बेचारी इतनी परेशान है। उसने मुझे बोला, दीदी देखो ये परेशानी है। मैं कहा तू चिंता मत कर, हम लगे हुए इस काम में। तो बताइए आप क्या करें उनके लिए? ये यंग जनरेशन को बिल्कुल बर्बादी के खड्डे में डाल रहे हैं। और हम शराब ठेके के बराबर में रहते हैं, यहाँ से जेंट्स लोग दारू लेते हैं और पार्क के कोने पे पीते हैं और वहीं पे टॉयलेट करते हैं। केजरीवाल ने मारने के लिए आदमी भेज दिए थे, वो तो हम यहीं पे बैठ गए थे, खोल नहीं दिया हमने। दबंगी भी दिख रही है सर, तो मारे आए थे चार चार आदमी, मिल गए थे अकेली पे, दो जन पे हम यहीं पे बैठ गए थे। जिन लोगों को, जिन्होंने दो दो, जिन्होंने 10-10, 15-15 करोड़ रुपए लेके ठेके खरीदे हैं, उनको तो दर्द होगा ना। वो लोग सुबह पुलिस लेके आए। हमारा मकसद सिर्फ इस ठेके को बंद कराना नहीं है, हमारा मकसद जो है कि जो 840 ठेके केजरीवाल ने खोले हैं ना, उन ठेकों को बंद कराना हमारा मकसद है। हम नहीं चाहते कि सरकारी ठेकों के अलावा प्राइवेट ठेकों को इसमें दिया जाए। हाँ जरूरत है,
हम मानते हैं कि देश को, दिल्ली को शराब की जरूरत है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि वो हर वार्ड में चार चार पांच पांच ठेके कर दे। आप कहीं सरकार के खिलाफ नहीं, क्योंकि सरकार को टैक्स आता काफी? बिल्कुल बिल्कुल, हम सरकार के खिलाफ है। रिहायशी इलाकों में सरकार के ही नियम है, रिहायशी इलाकों में पान तम्बाकू नशे वाली चीज स्कूल के कॉलेज के आसपास होनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। सरकार एक तरफ कहती है ये ऐसे रूल बनाती है कि ये सब नहीं, नशे फैलाएं। अभी अभी की बात बताएं जो अभी अभी हुआ है, एक मिनट आप आओ अभी अभी क्या हुआ था बताओ। अभी आए थे केजरीवाल ने भेजे थे बहुत सारे आदमी मानने के लिए हमें, आपको हाँ हमको मानने के लिए, हम यहाँ पर लेट गए थे, बैठ गए थे, मुठे नहीं थे और ये झूठ तो नहीं बोल रहे आप? कैमरे का वीडियो है हमारे पास, वीडियो भी है, वीडियो भी हमारे पास है, मानने के लिए भेजे थे, मानने के लिए वो तो मठे नहीं थे जो जन यहाँ पर से चाचा महिला ना आए। हम कार्यकर्ता, देखिए भाई साहब, हम जो यहाँ पे ये संघर्ष कर रहे हैं ना, हम महिलाओं और युवाओं के लिए कर रहे हैं, हमारा कोई अपना पार्टी का कोई स्वाभिमान या नहीं है। हाँ जी, सच बताएगा आपके पूरे परिवार में कोई ऐसा नहीं जो ड्रिंक करता हो? नहीं बिल्कुल नहीं है भाई साहब, आप घर जाके देखिए, हमारे मेरे हस्बैंड करते हैं। देखिए शराब सर्दियों सदियों से बिकती आई, आगे भी बिकेगी और पहले भी बिक रही थी, लेकिन विरोध अभी क्यों हुआ? अब ही क्यों? कहीं ना कहीं ये नीति गलत है जो विरोध हुआ। मेरे हस्बैंड पीते हैं, लेकिन पहले जहाँ मिलती थी वहाँ से लेकर आते। नीति गलत है या सरकार गलत है? सरकार भी गलत है, नीति सरकार ने ही तो बनाई है, तो सरकार गलत है। इसकी जगह केजरीवाल की जगह भाजपा सरकार होती तो ठीक रहता है? नहीं, हम शायद उसके विरोध में भी होते। जो उसने 840 ठेके बनाए उसका विरोध है, ये पूरा सरकार नहीं करती। इतने सारे 840 ठेके भाजपा नहीं खोलती, अगर भाजपा ऐसा करती तो हम उसके विरोध में भी खड़े होते। लेकिन अब ठेके खुलेगा, जब का काम बीजेपी का नहीं है, झूठ बोलने का काम केजरीवाल का है, हरामगिरी का केजरीवाल का है। बस ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली में कहीं ना कहीं आक्रोश आपको दिख रहा है कि महिला कितना बढ़ चढ़ के आगे आई है। जी बोलिए। जिस पार्क में बच्चे खेलने चाहिए ना, वहाँ लोग दारू पीते खड़े होके हमारे घर के सामने। हमारे आपने आपने पुलिस कंप्लेंट की? ठेके की कंप्लेंट की है, जब ही तो बैठे हैं हमें। नहीं आते ये पुलिस वाले? नहीं बहुत मतलब शराब के ठेके वाले का साथ दे रहा है पुलिस वाले को, सब दोनों तब आते हैं। वो जिस वक्त खिलाफी दी है केजरीवाल जी ने, दिल्ली तो बर्बाद कर ही दिया, अब पंजाब को भी बर्बाद करने जा रहा है बिल्कुल। सिसोदिया ने एक बार कहा था कि 2016 के बाद मैं कमिटमेंट करता हूँ एक भी दुकान नहीं खुलेगी, उसके बावजूद भी 806 ठेके खोल रहे हैं, वो उनका कमिटमेंट कहाँ गया मनीष सिसोदिया जी का? धन्यवाद, आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, जो वो स्कूल जाते हैं, जो पैसे उनको मिलते भी होंगे घर से निकाल के भी लाते हैं, वो जाके दारू के ठेके पे छोटे छोटे वो लेके पीते हैं। ये जनरेशन खराब ही तो हो रही है, और क्या हो रहा है? जो बच्चों की आप बताओ ना, जो बच्चों की परवरिश है वो सब बेकार हो रही है। क्यों हो रही है? ये ठेके खुल रहे हैं जरा जरा। शराबबंदी ही बंद करो, जिस प्रकार गुजरात में मोदी जी ने शराबबंदी और बिहार में बंद है। सबसे ज्यादा ब्लैक में गुजरात में बिकती है दारू। फिर हाँ तो ब्लैक में बिकती है, तो ब्लैक वाला माल महिलाओं को नहीं, ठेके तो नहीं खोल रहे। जिस क्षेत्र के है ना, उस क्षेत्र में शराब ही नहीं बिकती और ये उन्हीं के चेले हैं, और आज ये शराब को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके कंधे पर रख कर कदम आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, उनके कंधे पर रख के बढ़े हैं ये, और उन्हीं को ही, जिस अन्ना हजारे को लेके आगे अड़े है ना, उन्हीं को इन्होंने किधर किधर। कल को लाठी चार्ज हो गया आप पे लोगों पे, फिर क्या करेंगे आप? मार देंगे, एक को काट देंगे, काट देंगे, काट देंगे। लाठी चार्ज से भी डर नहीं लगता? नहीं लगते, मरने मारने को तैयार हैं। देख सकते हैं आप आक्रोश देख सकते हैं महिलाओं को, बढ़ चढ़ के आगे आ रही है कि दारू के ठेके नहीं खुलेंगे दिल्ली में। तो आप हमें अपनी राय जरूर भेजिएगा, क्या लगता है कि आक्रोश बढ़ पाएगा कि नहीं। और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथम न्यूज के साथ। धन्यवाद।